नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। 500 किलो हलवे के चढ़ेगा प्रसाद, नव वर्ष का स्वागत होगा सामूहिक हनुमान चालीसा के साथ रीवा के साई मंदिर में 1 जनवरी शाम 4 बजे। रीवा में कई सालों से नव वर्ष का स्वागत किया जाता है अपने ही अंदाज में, अपनी सनातनी परंपरा के हिसाब से। महाआरती के साथ संपन्न होने जा रहे इस बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी तरीके से आयोजकों ने बना ली है। शहर का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा महाआरती का ये कार्यक्रम 1 जनवरी 2024 को शाम 4 बजे साईं बाबा मंदिर परिसर में संपन्न होगा। नव वर्ष पर रीवा नगरवासियों की सुख समृद्धि उन्नति की कामना को लेकर महाआरती का आयोजन पिछले कई सालों से यहां पर कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने अपनी तैयारी लगभग कंप्लीट कर ली है। पूरी तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा बना ली गई है, समस्त जरूरी चीजें एकत्र कर ली गई हैं। महाआरती के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ राम स्तुति भी की जाएगी। आचार्य नरोत्तम मिश्रा की टीम द्वारा शांति पाठ एवं मंगलाचरण इत्यादि भी संपन्न होंगे। इस मौके पर 500 किलो शुद्ध घी से निर्मित हलवे का महाप्रसाद बाबा को अर्पित एवं श्रद्धालुओं के मध्य वितरित किया जाएगा, जो देर रात तक चलता रहेगा। महाआरती के संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता करके पूरी जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रधान पुजारी मनसुख लाल, मंदिर के अध्यक्ष अजय झमीजा, वरिष्ठ पत्रकार अनिल त्रिपाठी, मोहित टंडन, धर्मेंद्र कुशवाहा, सरदार मनिंदर सिंह, महेश लेडवानी, अभिषेक मिश्रा, यूडी सिंह, दिनेश जैन, नवल दास, पूर्व संतवज मणिराज सिंह, तमाम लोग मौजूद थे। सुनिए क्या कुछ जानकारी दी गई। तो महाआरती के साथ करते हैं और ये महाआरती साईं मंदिर परिसर में होती है नए साल के वेलकम के लिए। और इस बार विशेष ये है कि हम लोग जो है रीवा शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ मिलकर और इस महाआरती को संपन्न करने जा रहे हैं। और इस अवसर पर लगभग 500 किलो हलवे का प्रसाद सर्वप्रथम भगवान को चढ़ाया जाएगा और भक्तों के बीच में वितरित भी किया जाएगा। नए साल का सब वेलकम करेंगे और चूंकि इसका उद्देश्य ये है कि हम सनातन परंपराओं के अनुसार नए साल का आगमन और उसकी तैयारियां, उसका वेलकम करते हैं। मेरा सवाल यह है, महाआरती में कौन कौन से प्रोग्राम होंगे और क्या व्यवस्था रहेगी? महाआरती में सबसे पहले साईं बाबा की महाआरती 4 बजे शाम को 1 जनवरी को चालू होगी। इसके बाद आधे घंटे की आरती के बाद सब लोग रीवा नगर की सुख समृद्धि की कामनाओं को लेकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे और जो सामने जन सामान्य है वो भी सम्मिलित होंगे। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ में निगेटिविटी को खत्म करने की क्षमता है। तो हम लोग वर्ष का प्रारंभ इन सब माध्यमों से कर रहे हैं। इतनी छोटी सी जगह में हजारों लोग आएंगे, क्या व्यवस्था कैसे करेंगे आप? व्यवस्था हमें प्रशासनिक सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, प्रशासन भी सहयोग दे रहा है और पुलिस प्रशासन भी सहयोग दे रहा है। अपन ने अपनी तरफ से भी गार्ड वगैरह रखे हैं, 5 गार्ड की व्यवस्था करी है उसके लिए भी। ट्रैफिक पुलिस भी है, गार्ड भी अपन ने रखे हैं, वॉलंटियर भी, हमारे खुद के वॉलंटियर्स भी हैं, पूरी टीम है, कम से कम 70-80 लोगों की हमारी, जो यहाँ पे ट्रैफिक को भी कंट्रोल करेगी और हमारे जो अतिथिगण होंगे और जो महाआरती में शरीक होंगे उनके भी बैठने की और उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। और इसमें हम लोग शास्त्रीय नियमावली को पूरे तरीके से फॉलो करेंगे, जो भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ध्यान रखेंगे कि गलत तरीके से ना बजाए जाए, अनावश्यक शोरगुल ना हो। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।